फ्रेंड्स, इन दिस चैप्टर एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव स्टार्टेड दैट इंडस्ट्रियलाइजेशन दैट स्टार्टेड इन 19th सेंचुरी इन यूरोप, बट इससे पहले एक ऐसा टाइम पीरियड था दैट वाज कॉल्ड प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब प्रोडक्शन बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में नहीं होती थी, कहाँ पे होती थी, विलेज यूनिट्स में, दैट वी हैव कवर्ड। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो पार्ट था दैट वॉज कमिंग ऑफ फैक्ट्री सिस्टम 1730। फैक्ट्री सिस्टम जो है वो इंग्लैंड में जब आना शुरू हो गया तो उस टाइम पीरियड में काफी हद तक विलेज के जो लोग थे वो सिटीज में आना शुरू हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट नेम जो है वो रिचर्ड ऑकराइट, हु क्रिएटेड फर्स्ट कॉटन मिल, रिचर्ड ऑकराइट, उसके कॉटन मिल के कंसेप्ट से हम ये कह सकते हैं कि प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्टिन्यू हुआ। और बूम का मतलब क्या होता है कि सडन प्रॉफिट, यानी कि एक ऐसा टाइम जिस टाइम पर में 5 इयर्स 10 इयर्स 15 इयर्स में लगातार इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है। सबसे पहला बूम जो है वो कौन सी इंडस्ट्री में आया, कॉटन इंडस्ट्री में। रीजन क्या था, क्योंकि उस टाइम पीरियड में इंटरनेशनल मार्केट में कॉटन की डिमांड, टेक्सटाइल की डिमांड बहुत बढ़ रही थी। तो ब्रिटेन का ये मोटिव था कि रॉ कॉटन जो है वो बाकी कंट्रीज से मंगवाई जाए, अपनी कंट्री में कॉटन टेक्सटाइल प्रिपेयर किया जाए और बाकी कंट्रीज में इसको बेचा जाए। लेकिन स्टार्टिंग में कॉटन टेक्सटाइल जो ब्रिटेन में बनता था उसकी डिमांड ना लोकल लोग कर रहे थे ना ही रॉयल्टी कर रही थी। रीजन क्या, बिकॉज एट दैट टाइम किंग्स एंड क्वींस दे प्रेफर्ड हैंडमेड क्लोथ एज कंपेयर टू मशीन मेड। दे थॉट दे, उस टाइम पर में उनका आइडिया क्या था कि मशीन मेड गुड्स जो है ना वो चीप होती हैं और सेम क्वालिटी की होती हैं, सेम डिजाइन की होती हैं, तो बेटर है कि इनको कहाँ पे भेज दिया जाए, कॉलोनीज में, इंडिया जैसी कंट्रीज में भेज दिया जाए। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के स्टार्टिंग में जो इंडस्ट्रीज या जो मशीन मेड गुड्स थी उनकी डिमांड बहुत ज्यादा नहीं थी। इसका बेस्ट एग्जाम्पल शायद आप सब बच्चों के साथ कवर हो गया, ये वाला स्टीम इंजन, जेम्स वॉट। स्टार्टिंग में जब जेम्स वॉट ने स्टीम इंजन जब बनाया था तो उसके डिमांड के लिए या बायर्स बहुत कम थे। मैनी यू कैन से पीपल दे थॉट दैट चीप लेबर इज अवेलेबल, तो वाई टू बाय कॉस्टली मशीन्स, बिकॉज एट दैट टाइम रिपेयर ऑफ मशीन्स वॉज वेरी कॉस्टली, इंजीनियर्स बहुत कम होते थे, पीपल दे स्केयर्ड ऑफ बाइंग न्यू टेक्नोलॉजी, उनको ये डर था कि अगर मशीन चलते चलते रुक जाएगी तो इंजीनियर्स लेबर चार्जेस बहुत ज्यादा पड़ेंगे, लेबर उनको इजिली अवेलेबल थी, सो दैट्स वाई दे प्रेफर्ड हैंड लेबर इंस्टेड ऑफ मशीन्स। फिर एक और टाइम आया जिस टाइम पीरियड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो टाइम अब हम 50 इयर्स के आगे का टाइम पढ़ेंगे, जब जैसे जैसे अब कॉस्टली टेक्नोलॉजी का रेट जो है वो धीरे धीरे कम हो गया। जैसे अगर आप बात करो कि आज से 20-30 इयर्स पहले मोबाइल का प्राइस कितना ज्यादा होगा, एंड कंट्री में या किसी भी जगह पे मोबाइल खरीदने वाले बायर्स जो है वो बहुत कम होंगे, वो लैंडलाइन ज्यादा प्रेफर करते होंगे, कोर्डलेस ज्यादा प्रेफर करते होंगे एज कम्पेयर टू मोबाइल, क्योंकि मोबाइल की जो रिपेयर चार्जेस होते हैं बहुत कॉस्टली होती है। आज के टाइम पीरियड में भी आप में से बहुत से ऐसे कम लोग हैं जो आईफोन खरीदते हैं, उनको ये लगता है ये बहुत कॉस्टली है, उसका रिपेयर चार्जेस बहुत ज्यादा होंगे, तो आप जो है वो आई थिंक आईफोन नहीं भी खरीदते। ये जस्ट ये नहीं है कि स्टेटस सिंबल है, ये लोगों की थिंकिंग होती। इवन आपके पेरेंट्स हैं, आपके ग्रैंड फादर हैं, वो ये कहेंगे कि हमें तो फोन चाहिए, जैसा भी ले दो। इसका मतलब क्या है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी उनके लिए एक्सेप्ट करना, दैट इज लिटल बिट डिफरेंट। ठीक है, 50 इयर्स के बाद यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सेकेंड फेज आया 1840 के बाद का टाइम पीरियड, देन मैनी पीपल दे स्टार्टेड मशीन्स, और इस तरह से इंडस्ट्री जो थी वो सेटअप होना शुरू हो गई यूरोप में या इंग्लैंड में, लैंकैशायर जैसी मैंने आपको सिटीज बताया था। तो व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम टू वीवर्स एंड वर्कर्स, एट दैट टाइम दे वर स्केयर्ड फ्रॉम मशीन्स, नाउ दे वर रिप्लेस बिकॉज स्पिनिंग जेनी दैट वॉज इन्वेंटेड बाय जेम्स ग्रीव्स, एक ऐसी मशीन थी जिसने कितने ही लेबर्स को रिड्यूस कर दी। नाउ प्रोड्यूसर्स दे फाउंड इट प्रॉफिटेबल, उनको ये भी लगा कि मशीन खरीदना प्रॉफिटेबल है एज कम्पेयर टू लेबर्स, क्योंकि लेबर्स के ऊपर सुपरविजन करना, लेबर से काम लेना, और लेबर क्या होता है, हर पर्सन अपना काम अलग करता है, और एक एक अगर पार्ट अपना काम नहीं करेगा तो उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, दूसरे के ऊपर। स्पिनर नहीं करेगा तो उसका काम दूसरे के ऊपर पड़ेगा, डायर नहीं करेगा। तो वट विल हैपन एट दैट टाइम, मैनी प्रोड्यूसर्स दे फाउंड दैट न्यू कॉस्टली और न्यू मशीन्स विल बी ईजी, और एट दैट टाइम मैनी वर्कर्स दे अटैक्ड ऑन स्पिनिंग जेनी, उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, स्पिनिंग जेनी पे अटैक करना शुरू कर दिया। वाई दे अटैक्ड ऑन मशीन्स, बिकॉज दे वर स्केयर्ड, दे वर रिप्लेस, बिकॉज एट दैट टाइम दे वर रिप्लेस। ठीक है, इसके बाद एक ऐसा कॉन्टिनेंट अमेरिका,
एट दैट टाइम अमेरिका, इन अमेरिका पॉपुलेशन वॉज वेरी लेस. अगर हम अमेरिका और ब्रिटेन को कंपेयर करें ना बेटा, तो अमेरिका में पॉपुलेशन कम थी. एंड एट दैट टाइम मैनी पीपल फ्रॉम ब्रिटेन दे माइग्रेटेड, दे शिफ्टेड टू अमेरिका, बिकॉज अमेरिका, इन अमेरिका डिमांड फॉर लेबर वॉज हाई. ठीक है, यानी कि ब्रिटेन से जिन लोगों को अनएम्प्लॉयड यानी कि फैक्ट्री से रिप्लेस कर दिया, एट दैट टाइम मैनी पीपल दे शिफ्टेड फ्रॉम ब्रिटेन टू अमेरिका. और अमेरिका जैसी कंट्रीज ने फिर प्रेफर किया, एक तो लेबर, चीप लेबर. यही रीजन है कि आज भी हमारी कंट्री से बहुत से लोग अमेरिका और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज में जाते हैं, क्योंकि वहां पे जो उनको लेबर दी जाती है ना, डॉलर्स दिए जाते हैं, वो ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इंडिया. यही रीजन है कि हमारी कंट्री से बहुत से लोग लेबर यहाँ पे नहीं करते, वहां पे करने को तैयार हो जाते. और अमेरिका जैसी कंट्री जो है, अमेरिका जैसी कंट्री एक ऐसी कंट्री है जहां पे पॉपुलेशन कम होने के कारण दे प्रेफर टू बाय न्यू टेक्नोलॉजी फैक्ट्रीज. आप बेटा डिस्कवरी चैनल में जितनी भी फूड फैक्ट्रीज देखोगे ना, वहां पे कन्वेयर बेल्ट यानी कि वहां पे जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, उसमें लेबर कम और फैक्ट्री सिस्टम में कन्वेयर बेल्ट के ऊपर काम ज्यादा होता है. इसका मतलब क्या है कि आज अगर मॉडर्न टाइम की बात करें ना, तो मॉडर्न टाइम पीरियड में क्या है, दे हैव रिप्लेस लेबर, वहां पे फैक्ट्री सिस्टम मैकेनाइजेशन काम ज्यादा होता है. यूएसए कहते हैं ब्रेड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड. बीट बास्केट क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे मैकेनाइज फार्मिंग होती है. इन इंडिया इफ 70% पीपल दे आर एंगेजिंग इन एग्रीकल्चर सेक्टर, बट स्टिल फूड शॉर्टेज इज देयर. बट यू इन यूएसए ओनली 4% पीपल दे आर डूइंग एग्रीकल्चर, बट स्टिल दे आर इंडिपेंडेंट एंड दे आर एक्सपोर्टिंग वीट टू अदर कंट्रीज ऑल्सो. ये तो आज की बात कर रही हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में जब ब्रिटेन से बहुत से लेबर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, तो दे माइग्रेटेड और दे मूव टू अमेरिका, और अमेरिका में उनको काम मिले. लेकिन हम ब्रिटेन की बात करें तो हम ये बताते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का दोनों ही तरफ से इम्पैक्ट था. बून का मतलब है कि अच्छा भी था, कर्स का मतलब होता है कि वर्कर्स के लिए ये प्रॉब्लमेटिक थी. तो दैट पार्ट आई हैव क्लियर, आई थिंक. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये पार्ट क्लियर है? एनी डाउट? यस, एनी डाउट बेटा? आदित्य? यस, ओके, थैंक यू बेटा. हाँ जी, अब हम करेंगे बेटा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड when Britishers came in our country, colonial rule. At that time, what happened in our country? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा सा इंडिया की जो हिस्ट्री है वो समझनी चाहिए, कि हमारी इंडिया की जो पोजिशन थे ना, उसको गोल्डन स्पैरो, सोने की चिड़िया कहते थे. ठीक है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में हमारे इंडिया में मनी अपॉर्चुनिटीज या लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा थी. That's why many invaders, they attack on our country time to time. And our country was under the control of different rulers time to time. पहले सल्तनत, सल्तनत डायनेस्टी, और उसके बाद मुगल डायनेस्टी, then Britishers. Means आप ये सोचो कि इंडिया को इतने साल तक कंट्रोल किया, एंड आफ्टर 1947 कितना मुश्किल होगा इंडिया जैसी इकोनॉमी को फिर से डिवेलप करना. स्टिल आर कंट्री इज डिवेलपिंग. ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं था पहले. हमारी कंट्री की डिमांड जो थी, कौन सी डिमांड सबसे ज्यादा थी? कॉटन एंड सिल्क. ठीक है, इन आइटम्स की डिमांड यूरोप में ज्यादा थी, यानी कि यूरोपियन मार्केट में इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड बहुत ज्यादा थी. तो उस टाइम पीरियड से हमारी इंडिया का कॉटन और जो सिल्क था वो कहां जाता था? ब्रिटेन. ठीक है, ये था इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले. लेकिन जब ब्रिटेन में अपनी इंडस्ट्रीज खुलना शुरू हो गई, यानी कि ब्रिटेन में मिल सिस्टम आ गया, तब इन मिल्स को इंडिया का टेक्सटाइल नहीं चाहिए. क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल. तो एट दैट टाइम फ्रॉम इंडिया दे प्रेफर ओनली रॉ कॉटन. हाँ जी, बाय बिकॉज एट दैट टाइम ब्रिटेन वॉज सेटिंग देयर ओन फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज. अब उनको इंडिया के कॉटन टेक्सटाइल की जरूरत नहीं थी. दे वर फेसिंग कॉम्पिटिशन. तो ब्रिटेन में इन्होंने क्या किया, दे प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट, यानी कि ब्रिटेन में जो मिल प्रोड्यूसर थे, मिल के ऑनर्स थे, दे प्रेशराइज ऑन देयर गवर्नमेंट टू इंक्रीज ड्यूटीज. ड्यूटीज का मतलब होता है टैक्स.
इसका मतलब है हमारे इंडिया के कॉटन एंड सिल्क के ऊपर जब टैक्स हमें ज्यादा देना पड़ेगा तो ये जो है वो ब्रिटेन में क्या हो जाएगा, कॉस्टली। ठीक है, तो ब्रिटेन के लोग फिर इंडिया का कॉटन टेक्सटाइल खरीदेंगे या अपनी कंट्री का खरीदेंगे? ठीक है, अपनी कंट्री का खरीदेंगे ना। तो दिस वॉज द रीजन एट दैट टाइम इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो इम्पैक्ट था वो हमारे इंडियन वीवर्स और जो प्रोड्यूस कर रहे थे प्रोड्यूसर्स उनके ऊपर इसका बहुत इम्पैक्ट पड़ा। तो ये स्टोरी की फॉर्म में हमने याद रखना है कैसे हुआ, ठीक है, और साथ साथ आपने डाटा नोट करना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिशर से पहले कॉटन एंड सिल्क हमारी कंट्री में मेनली कौन कौन सी कंट्रीज में जाती थी उनको नोट करो, अर्मेनिया, यस, पर्शिया, सेंट्रल एशिया, बाय बोथ लैंड एंड सी रूट, लैंड एंड सी रूट, यानी कि ये मेन कंट्री। सेंट्रल एशिया की बात करें तो यूरोप भी बीच में ही है ना, ठीक है, सेंट्रल एशिया, यूरोप, ब्रिटेन, दीज कंट्रीज दे वर डिमांडिंग इंडियन टेक्सटाइल। ठीक है, अर्मेनिया, अमेरिका नहीं, अर्मेनिया, पर्शिया, सेंट्रल एशिया एंड इवन यूरोप ऑल्सो दे वर डिमांडिंग इंडियन कॉटन टेक्सटाइल एंड सिल्क। और सी रूट्स की बात करें तो हमारी कंट्री में सबसे फेमस पोर्ट सिटीज बहुत फेमस थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले, कौन कौन सी फेमस थी? सूरत, मसौलीपट्टनम, पहले पहले बच्चे पहले, उसके बाद एक और था हुगली। सूरत कहां पे है? गुजरात कोस्ट, मसौलीपट्टनम कोरोमंडल एंड हुगली है बंगाल। ठीक है, बंगाल, ठीक है, मसौलीपट्टनम कोरोमंडल एंड सूरत गुजरात। व्हेन ब्रिटिशर्स केम इन आवर कंट्री एट दैट टाइम इंस्टेड ऑफ दीज पोर्ट्स इंपॉर्टेंस ऑफ बॉम्बे एंड कैलकटा ग्रू। व्हाई? बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी दे सेट अप देयर फैक्ट्रीज एंड वेयर हाउस एंड स्टोर हाउस इन दीज एरियाज और इन दीज सिटीज। दैट्स व्हाई विद द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम दीज पोर्ट्स डिक्लाइन। तो आपने वन मार्क के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद रखना है, पहले तो इनके कोस्ट सिटीज याद रखो, सूरत सिचुएटेड ऑन गुजरात कोस्ट, मसौलीपट्टनम कोरोमंडल, हुगली बंगाल। विद द कमिंग ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंपॉर्टेंस ऑफ दीज पोर्ट्स डिक्लाइन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ बॉम्बे एंड कैलकटा इंक्रीज बिकॉज ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे उनके जितने भी वेयर हाउस स्टोर हाउस वो सारे यहाँ पे थे, दे प्रेफर टू लिव हियर एंड ये उनके प्रेजिडेंसी एरिया थे। प्रेजिडेंसी का मतलब होता है जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स जो होते हैं उनके डिपार्टमेंट होल्डर्स वो वहां पे रहते थे विद देयर फैमिलीज, रेजिडेंशियल एरियाज भी होते थे तो वो जहां पे रहते थे ना वहीं से बिजनेस ऑपरेट करते थे, ये रीजन था उसका। ठीक है, सो फिर हमने पढ़ना है कि इसका इम्पैक्ट जो है और इम्पैक्ट इसका क्या हो। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन ईयर आपने बताना है, एक हमने डाटा इसमें देना है टू सपोर्ट दिस। राइट डाउन 17th सेंचुरी, नियर अबाउट 17th सेंचुरी यानी कि 17th सेंचुरी तक सूरत वॉज एक्सपोर्टिंग 16 मिलियन अमाउंट, यानी कि सूरत जो था वो एनुअल कितने ज्यादा जो है वो मनी अर्न कर रहा था एक्सपोर्ट से, 16 मिलियन। बट इन 1740, क्योंकि अब 1740 जब मैं बोलती हूँ तो ये 17 मीन 18 सेंचुरी हो गई है। ठीक है, इन 1740 इट डिक्रीज अप टू 3 मिलियन, तो ये शो करता है कि सूरत में कितना लॉस हुआ होगा 30-40 इयर्स में ही ब्रिटिशर्स के आने से, सूरत में कितना लॉस हुआ। पहले ये कितना था, 16 मिलियन, लेकिन बाद में कितना हो गया, 3 मिलियन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमने बताना है सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारी कंट्री में आई उस टाइम पीरियड में जब इन पोर्ट्स की डिमांड कम हो गई, इनकी इंपॉर्टेंस कम हो गई, लेकिन ब्रिटेन को उस टाइम पीरियड में हमारी कंट्री से क्या चाहिए था, रॉ कॉटन। लेकिन साइड बाय साइड
बाकी कंट्रीज में तो ब्रिटेन की अगर बात ना करें, बाकी कंट्रीज के लिए तो कॉटन टेक्सटाइल चाहिए था ना, तो दोनों ही तरह से उस टाइम पीरियड में। ब्रिटिशर्स अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहते थे। सिर्फ अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन को सिर्फ रॉ कॉटन चाहिए था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कॉटन टेक्सटाइल बाकी कंट्रीज को बेचकर मनी अर्न करना चाहते थे। लेकिन स्टार्टिंग में उनको बहुत प्रॉब्लम आई और इसके लिए उन्होंने क्या किया, कुछ पॉलिसीज बनाई जिसको कहते हैं सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। इस सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट के अंडर उन्होंने क्या किया, दे अपॉइंटेड गोमाश्तास। अब आपको ये याद रखना है ये कौन थे, दे अपॉइंटेड गोमाश्तास। गोमाश्तास ब्रिटिशर्स होते थे कि इंडियन होते थे, पहले ये याद रखना। दे वर इंडियंस बट दे वर पेड सर्वेंट, पेड सर्वेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, ये कंपनी की तरफ से अपॉइंट किए जाते थे, इनको क्या बोलते थे, गोमाश्तास। आपको वन मार्क क्वेश्चन आ सकता है, हुवर गोमाश्तास पेड सर्वेंट ऑफ कंपनी। इनकी ड्यूटी क्या होती थी, इनका काम क्या होता था, नंबर वन ये कंपनी की तरफ से एजेंट या मिडल मैन होते थे। आपको याद है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में न्यू मर्चेंट्स विलेज एरिया में जाके क्या काम करते थे, सेम दिस काइंड ऑफ वर्क वॉज गिवन टू दीज गोमाश्तास, मीन्स सुपरविजन। नंबर वन सुपरविजन करते थे अलग अलग एरियाज में जाकर टेक्सटाइल, क्योंकि उस टाइम में इंडिया में फैक्ट्रीज नहीं थी, इंडिया में इंडस्ट्रीज नहीं थी, मिल सिस्टम नहीं था, तो काम कहां पे होता था, डोमेस्टिक यूनिट्स में। ठीक है, मीन्स हम मैं कौन सी बात कर रही हूँ, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले का टाइम। अगर आप ये देखो तो ये पर्टिकुलर टाइम कौन सा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले का टाइम, मीन्स अगर 19th सेंचुरी में आई है इंडस्ट्रियलाइजेशन तो अल्टीमेटली ये 1700 से लेकर 1799 का टाइम पीरियड होगा। ठीक है, 18th सेंचुरी, उसके बाद 19th सेंचुरी, तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड ये होगा 1700 टू 1799 जब हमारी कंट्री में कंपनी रूल था। इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जब कॉटन टेक्सटाइल की डिमांड हमारी कंट्री की थी ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए, तो उस टाइम पीरियड में कंपनी ने क्या क्या सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट जो था वो इंप्लाई किया, नंबर वन सुपरविजन। सुपरविजन के अंडर ये गोमाश्तास जो थे अलग अलग विलेज में जाकर क्या करते थे, उनको क्या देते थे, एडवांस, ताकि एडवांस देकर उनको डेब्ट ट्रैप में क्या कर लिया जाए, फंसा लिया जाए, डेब्ट ट्रैप। डेब्ट ट्रैप, ट्रैप क्या होता है, ऐसे विलेजर्स जिन विलेजर्स के पास मनी नहीं होती बच्चे, उनको अगर पहले ही एडवांस दे दो ना तो इजिली काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद इनको और क्या देते थे, रॉ मटेरियल मींस कॉटन, ताकि ये लोग क्या करें, अपनी अपनी फैमिलीज अपने अपने विलेज एरियाज में क्या बनाए, थ्रेड और थ्रेड से क्या बनाए, टेक्सटाइल। और ये टेक्सटाइल जो था फिर ये गोमाश्तास जो थे वो पोर्ट सिटीज में लेकर जाते थे मिडल मैन को बेचने के लिए। पोर्ट सिटीज में ये सारी ट्रेडिंग होती थी और उस ट्रेडिंग के बाद ये इंटरनेशनल मार्केट में बिजनेस यानी कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर स्प्रेड होता था, अलग अलग कंट्रीज को बेचा जाता था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई, ब्रिटिशर्स के अलावा और भी बहुत सी यूरोपियन पावर्स थी जो इंडिया के साथ डीलिंग करना चाहती थी। तो उस टाइम पर बेसिकली कौन सी थी, डच, फ्रेंच, पोर्टुगीज़,